गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू निजी लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर 2019 और आज हम इस वीडियो में 14 सितंबर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में इंक्लूड किए गए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और मैं आपको एवरी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुने करने के लिए कृषि राज्य की पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। तो यूपी गवर्नमेंट ने 2024 तक किसानों की इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य के लिए यूपी गवर्नमेंट ने पहली कृषि निर्यात पॉलिसी की घोषणा की है। तो इस पॉलिसी की घोषणा की है यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये रहा यूपी इंडिया के मैप में और यूपी की कैपिटल है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और यूपी के प्रेजेंट टाइम के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अभी कल की ही बात है, मैंने आपको बताया था कि यूपी के शहर मथुरा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नमस्कारी सेवा योजना शुरू की है। तो आपको इस फैक्ट को भी याद रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो आपको याद रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी को सम्मानित किया है। दोस्तों नवदीप सिंह सूरी संयुक्त अरब अमीरात में अभी रिसेंटली इंडिया के राजदूत हैं और इन्हें ही संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों यह सम्मान दिया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ये रहा संयुक्त अरब अमीरात वर्ल्ड मैप में और संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायल अल नहान। कौन है? खलीफा बिन जायल अल नहान। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है यूएई दिरहम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी की नई रैंकिंग में टॉप 300 में कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को इस रैंकिंग में सब पहला स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है कि इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पर है। दोस्तों इस रैंकिंग में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। इस रैंकिंग में टॉप 10 में चाइना की 2 यूनिवर्सिटी का नाम है। तो दोस्तों अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीके सिन्हा। दोस्तों पीके सिन्हा ने नृपेंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पीके मिश्रा को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है कि पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है और पीके मिश्रा को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश में दक्षिण पूर्व एशिया का यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इस सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया है वियतनाम में। तो ये रहा वियतनाम मैप में और वियतनाम की कैपिटल है हनोई। क्या है? हनोई। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं गुएन फू ट्रोंग। कौन है? गुएन फू ट्रोंग। और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली मथुरा से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 मिलियन पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा
और इस कार्यक्रम को शुरू किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुरा से। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JBL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली JBL कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया रणवीर सिंह को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। तो दोस्तों रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है JBL ने। तो दोस्तों JBL एक अमेरिकन कंपनी है जो कि ऑडियो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1946 में और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। दोस्तों पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर है पेप्सिको की। किस कंपनी की? पेप्सिको की। और कार्तिक आर्यन ब्रांड एम्बेसडर है मान्यवर का। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री व्यापारी छत्रपति बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों इस योजना को शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों इस योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। तो ये रहा हरियाणा इंडिया के मैप में और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो भी हरियाणा का ही है। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट को याद रखना। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजित किया गया काठमांडू में जो कि नेपाल की कैपिटल है। तो ये रहा नेपाल वर्ल्ड मैप में और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये थे 14 सितंबर 2019 रिलेटेड मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने इन सभी क्वेश्चन से आज कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे इन फ्यूचर कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।